वन उपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ में शानदार काम हुआ है। लघु उपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अपनी बेहतर नीतियों और उनके कार्यान्वयन को एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में वनवासियों और लघु वनोपज संग्राहकों के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए फैसलों ने अब मामूली वनोपज को एक मूल्यवान उत्पाद बना दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश भर में जितनी वनोपज इकट्ठा की गई है उसका लगभग 75% यानी 3/4 संग्रहण सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान 23 मार्च तक देश में कुल 181 करोड़ 25 लाख रुपए की खरीद की गई है। इसमें 136 करोड़ 63 लाख वन उपजों की खरीद छत्तीसगढ़ ने की है। राज्य में अक्टूबर के बाद से छमाही में 32 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि के 1,20,665 क्विंटल लघु वन उपजों का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 52 लघु वन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वन उपज खरीदी के तहत कई सारे बीज भी संग्रहित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ साथ लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन की दिशा में एक पहल की है। इन फैसलों से प्रदेश के आदिवासी समुदाय के जीवन में न केवल परिवर्तन बल्कि आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी।